नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जारी की गई अधिसूचना के बारे में। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से हाल ही में अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने अंतर जिला नियोजन इकाई स्थानांतरण, जिला के अंदर शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत जानकारी दी है, जिसके तहत अब शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग एक वेब पोर्टल तैयार करेगा। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के उप सचिव की तरफ से जारी की गई है। उप सचिव की तरफ से वेब पोर्टल को लेकर दिए गए जानकारी के अनुसार वेब पोर्टल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिलावार नियोजन इकाई विषयवार जिलावार रिक्त पदों की सूचना अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित रिक्त पद वहीं आवेदन भरे जाएंगे जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालाध्यक्ष का होगा। इतना ही नहीं, निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला एवं दिव्यांग शिक्षक या पुस्तकालाध्यक्ष जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण समिति की अनुशंसा एवं संगत प्रावधानों को दृष्टि पत्र में रखते हुए दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष और महिला शिक्षिका को निर्धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई जाने की अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार एग्जिट स्थानांतरण हेतु यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब आइए जानते हैं कि स्थानांतरण के लिए कौन कौन से शिक्षक आवेदन भर पाएंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 3 साल या उससे अधिक होगी वो आवेदन दे सकेंगे। अनुशासनिक कार्रवाई अथवा निलंबित शिक्षक या पुस्तकालाध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे। आवेदन देने की निर्धारित तारीख तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हो वही आवेदन करेंगे। वहीं महिला एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्र की जाँच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो। 2006 से लेकर 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र की निगरानी जाँच में प्रमाण पत्र सही पाए गए हो वही आवेदन देने के पात्र होंगे। जो शिक्षक संगत नियमावली नियम के तहत प्रशिक्षित हो वही आवेदन के पात्र होंगे। इसके साथ ही अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण के लिए 3 विकल्प दिया जाएगा। जिला के अंतर स्थानांतरण को लेकर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। अंतर नियोजन स्थानांतरण संबंधी प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई समस्या होगी तो उसका समाधान पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में NOC लेकर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उन शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के विरोध में हुई हो वही दिव्यांग श्रेणी में माने जाएंगे। इसके साथ ही अगर एक रिक्त पद पर स्थानांतरण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए तो ऐसे में निम्न मापदंडों के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष की पहचान की जाएगी। रिक्त पद जिस आरक्षण की कोटि का होगा उसी कोटि की महिला एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष के स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष को महिला शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष पर प्रामाणिकता दी जाएगी। दिव्यांग महिला शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष को दिव्यांग पुरुष शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जाएगी। सेवानिवृत्ति में 1 साल या उससे कम की अवधि बची हो वैसे में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष स्वयं या उसकी पत्नी, पति अथवा उसके आश्रित असाध्य रोग की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो अथवा किसी शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष का पुत्र, पुत्री अथवा पत्नी बुद्धि अथवा मानसिक रोग से ग्रसित हो तो उन्हें स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र में पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पति पत्नी में से एक के राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापना स्थल पर स्थानांतरण प्राथमिकता दी जाएगी। संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष का स्थानांतरण किया जाएगा। अंतर वरीयता का आधार नियोजन पत्र निर्गत की तारीख और प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तारीख जो बाद की तारीख हो उसके आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। इन्हीं मापदंडों के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक की पहचान वेब पोर्टल में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। वेब जनरेटेड सूची को डाउनलोड करके संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाइयों को सूचित किया जाएगा। ज्ञात हो, स्थानांतरित होने वाले शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष का संबंधित नए नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के वर्ष और पहले से पदस्थापित शिक्षकों के बाद स्थान निर्धारित किया जाएगा। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि चूंकि अंतर नियोजन स्थानांतरण की कार्यवाही संबंधित दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष और महिला शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष के अनुरोध पर किया जाएगा, इसलिए संबंधित को स्थानांतरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।